हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो आजकल जैसा कि आपको पता ही होगा, मैं गांव आ रखा हूँ, तो आज का ही ब्लॉग सोच रहा था बहुत दिन से आप लोगों के लिए क्या ब्लॉग लाऊँ। तो आज का ही ब्लॉग होने वाले हैं हमारे जो पहाड़ी सगोड़े होते हैं, यानी कि आप एक तरह से सब्जी के खेत बोल सकते हो। आज मैं उन्हीं को दिखाने वाला हूँ आपको और बताऊंगा कि आजकल उनमें क्या क्या हो रखा है और पहाड़ में लोग आजकल क्या क्या सब्जियाँ यूज़ कर रहे हैं, फ्रेश और ऑर्गेनिक सब्जियाँ। तो चलो मिलते हैं आपने नज़दीकी सगोड़े में, मुझे वहाँ से कुछ लाना है तो मैं आपको भी दिखाऊंगा थोड़ा बहुत जो भी वहाँ भी हो रखा होगा। तो बने रहे ब्लॉग में और मज़ा लीजिए पहाड़ की इन फ्रेश फ्रेश और ऑर्गेनिक सब्जियों के खाने देखने का है। खाने का तो आप सोचना भी मत। तो अभी पहुंच चुके हैं हम अपने नज़दीकी सगोड़े में और आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो है बहुत सारी सब्जियां हैं। ये देख सकते हो, ये है राई, राई के फ्रेश फ्रेश पत्ते जो कि सूखी सब्जी का काम आता है और इसमें तरी करके चावलों के साथ भी हम खाते हैं। और कुछ इस प्रकार से यहाँ ये उग रखी है बहुत सारी राई। मूली, ये देख सकते हो मूली, फ्रेश एंड ऑर्गेनिक मूली, और इसको हम यूज़ करते हैं आजकल अक्सर सलाद में, सलाद में यूज़ करेंगे। ये लंबी मूली भी यहाँ बहुत सारी होती है और गोल मूली भी, दोनों प्रकार की मूलियाँ होती हैं यहाँ। तो ज़्यादातर टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो गोल मूली होती है उसमें ज़्यादा टेस्ट रहता है खाने में बजाय लंबी मूली के। लंबी मूली सलाद के काम भी आती है बट खाने के मामले में गोल वाली मूली ज़्यादा बेटर है। तो एक मूली तो मेरे को सलाद के लिए लेनी है, ये तोड़ चुका हूँ। इसके बाद धनिया लेना है मेरे को थोड़ा, धनिया यहाँ काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हो खेतों का नज़ारा। आप भी आजकल जनरली राई, मूली, पालक, प्याज और कुछ पेड़ वाली सब्जियाँ यहाँ उगाई जाती है, फ्रेश और ऑर्गेनिक सब्जियाँ रहती है जिनके जिनको खाने का मज़ा ही कुछ अलग आता है, काफ़ी टेस्टी रहती हैं सब्जियाँ। तो फिलहाल मैंने मूली तोड़ दी है और यहाँ पे देखिए आलू लगा रखे हैं नए नए और इनमें पानी पानी की सिंचाई हो रही है, ये पाइप द्वारा हम पानी चाढ़ते हैं। यहाँ पे आलू की सब्जी, ये पपीता आधे बंदर खा चुका है और आधे इंसान के लिए है। अब इस मूली को धोएंगे हम और थोड़ा धनिया तोड़ेंगे। ये है प्याज की डालियाँ, प्याज जो कि आप सब लोग खाते होंगे, कुछ इस प्रकार से इनको लगाते हैं और उसके बाद इनको यहाँ से निकाल के जहाँ भी आपको लगाने होंगे खाली खेतों में लगाया जाता है। काफ़ी केयर की जाती है इनकी जब ये उगाए जाते हैं और काफ़ी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। और ये पूरे खेत में वही थे तो ये लगभग लगभग आजकल 200-250 हाथ के तौर पे यहाँ पे बिक्री हो रही है और जिनके भी ये हैं उन्होंने काफ़ी बेच चुके हैं और ये एक इनकम का भी स्रोत है यहाँ के लोगों का। वहाँ से आप देख सकते हो लहसुन लगा रखा है काफ़ी मात्रा में जो कि पूरे साल भर के लिए हो जाता है। और जो भी जगह बचती है किनारे किनारे, ये गोभी के एक्स्ट्रा फूल, इधर ये आलू और कुछ बीज के लिए मूलियाँ जो कि छोड़ी गई है, इनको खाएंगे नहीं, इनका बीज निकालेंगे और अगली बार फिर से बोएंगे इनको। तो कुछ इस प्रकार से सब्जियों की तैयारियाँ हो रही है हमारे गढ़वाल में आजकल और काफ़ी प्रकार की सब्जियाँ लगाई जाती है यहाँ। जैसे कि मैंने बताया ये प्याज 250 रुपये हाथ, ये एक माफ होता है, हाथ से नापते हैं और 250 रुपये गड्डी के हिसाब से बेचते हैं। तो काफ़ी जिनके भी थे उन्होंने काफ़ी पैसे भी कमाए, इसमें इनकम भी होती है उनकी, अर्निंग भी होती है और एक तरह से पूरे साल के लिए खुद
खुद भी लगाते हो। तो कुछ इस प्रकार से सब्जियां हो रही है। और ये देखिए, ये ले आया मैं मूली और ये धनिया फ्रेश, इसका धनिया और दाल और चावल में मैंने इसको चावल बना दिया मैंने। तो यही है आजकल। और बिल्ली देख सकते हो, बिल्ली आराम कर रही है, दूध के चक्कर में होगी ये। और फ्रेश फ्रेश सब्जियों का टूर देने के बाद गांव का हल्का सा नज़ारा इस प्रकार से दिख रहा है। ठंड का टाइम है, लोग घास लकड़ ला रहे हैं, देख सकते हैं। चाहे ब्याह था कि एक्सी ब्याह था। तो हालांकि इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाया, लेकिन जो भी है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और अब लोग खेतीबाड़ी बहुत कम करते हैं गांव में, नहीं तो पहले बहुत सारी सब्जियां उगती थी, लेकिन अब उसकी पैदावार भी थोड़ा कम हो चुकी है। तो आज का ब्लॉग है हल्का सा सब्जी के बारे में, आप लोगों को थोड़ी जानकारी दी। अच्छा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दगड़ियों।